ग्वालियर के शिवा रेजिडेंसी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग में फंसी महिला को भी बाहर निकाला गया। बता दें कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। हाँ, अभी आग की जीवाजीवन से सूचना मिली कि वहाँ पीजीवी वाली गली में, पीजीवी कॉलेज वाली रोड पर आग लगी हुई है। एक शिवा रेजिडेंसी है जिसमें 403 नंबर फ्लैट में मुकेश बत्रा के घर में आग लगी हुई है। तो वैसे ही मैंने 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी। आग काफ़ी तीव्र बताई गई थी क्योंकि बालकनी से लेके चारों तरफ खिड़कियाँ और वेंटिलेशन सभी में आग निकल रही थी। तो वैसे ही वहाँ पर मौके पर पहुँचा और आग को कंट्रोल किया। फिर साथ में माइक में सूचना भी दी, अंदर जो भी है वो बाहर बालकनी की तरफ किसी तरह आ जाए। तो महिला ने प्रयास करके खिड़की से बालकनी में आ गई। अच्छी जगह थी कि खिड़की भी थी बालकनी, और जो गेट था उसमें आग लगी थी तो गेट तो खोल नहीं पाई, तो उसके कारण उसकी जान बच गई। अगर माइक से सूचना ही नहीं देते तो वो परेशान हो जाती, दम घुट जाती और उसको जान उसकी बच गई। इस कारण आग के कारण जहाँ तक है वो आग पूरी वायरिंग है वो हीटिंग हुई है, और हीटिंग के बाद सभी कमरों में एक साथ आग लगी है। क्योंकि कोई नुकसान तो पूरा घर ही उसका जल गया है, नीचे रखा हुआ सामान, दीवार पे लगा हुआ सामान कोई भी नहीं बचा, खिड़की दरवाजे तक सभी जल गए। 6 गाड़ी पानी लगा। कितना समय लगा? समय करीब 1.25 घंटा उसमें लगा, तब उसको कंट्रोल कर लिया।